मैंने देखा भी बैंकर्स के फेसबुक पेज पे कि आप कल रात से प्रबंधन के खिलाफ आईडीबीआई बैंक के बाहर बैठे हो, तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि आप आखिर प्रबंधन के खिलाफ यहाँ पे बाहर क्यों बैठे हुए हैं, इससे क्या फायदा होगा, और ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं किसके लिए लड़ रहे हैं, और इससे क्या युवा बैंकर्स को कोई फर्क पड़ेगा या वो आपका साथ देंगे इस लड़ाई में, क्या लगता है आपको इसके बारे में, कुछ विचार बताइए। देखिए, दो चीज़ होती है। एक तो है कि हमारी मांगे क्या हैं, जो कि ऑलरेडी सभी को पता है। चार मांगे हैं, एक वेज रिविजन को लेके, दूसरा है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे जो रिपोर्टिंग हो रही है वो बंद होना चाहिए, तीसरा है जो परफॉर्मेंस रेटिंग का चल रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और चौथा है जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इन लोगों ने कमांड करके रखा हुआ है, वो ख़त्म कर दो। लेकिन मकसद मेरा इसके पीछे बहुत बड़ा है। अगर मैं चाहता तो आज वी बैंकर के प्रेसिडेंट के रूप में भी बैठ सकता था। हमारे अंदर ये भर दिया गया है युवा वर्ग में कि जो यूनियन के नेता हैं या जो यूनियन के लोग हैं या जो यूनियन है वही विरोध कर सकता है, एक आम आदमी विरोध नहीं कर सकता। और मैंने जितने भी अपने एजुकेशन किए हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में इसलिए किया है ताकि ये दिखा सकूँ कि हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी हमारे पास उतना ही अधिकार है जितना एक यूनियन के पास है। हाँ, तंत्र हमारे पास कम होता है, तो उसके लिए वी बैंकर्स के साथ ही हमारे साथ हमेशा खड़े होते हैं, उसमें कभी वो पीछे नहीं रहते। युवा वर्ग के लिए अब ये देखिए कि लड़ाई किसी को शुरुआत तो करनी है, पहला डंडा कौन बरसाएगा, पहला डंडा कौन खाएगा। तो मैंने कहा चलो मेरे केस में देख लो क्या क्या होता है, इससे पहले भी देख चुके हैं, अभी फिर से दिखा दे रहे हैं अगर किसी को शक रह जाए तो। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि हमको बोला जाता है कि भाई हड़ताल पे चलो, हड़ताल पे चलना है, 30 दिन की हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल, जब तक मांग पूरी ना हो जाए तब तक हड़ताल। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा है कि हड़ताल करने से हमारा खुद का कितना नुकसान होता है, देश का कितना नुकसान होता है, कस्टमर का कितना नुकसान होता है। जो आज मैं कर रहा हूँ या इससे पहले जो भूखा रह के एजुकेशन किया था, दोनों ही केस में अगर मैसिव लेवल पे हो तो इम्पैक्ट हड़ताल के इतना ही होगा। सड़क पे अगर 5 लाख बैंकर आ गए रात बिताने के लिए पूरे देश में, हंगामा उतना ही मचेगा, उससे शायद ज़्यादा ही मचे, और कस्टमर को कोई परेशानी नहीं होगी। और ये हम सालों साल चला सकते हैं। हाँ, मेरे लिए थोड़ी सी परेशानी है क्योंकि यहाँ पे अभी तक मैं व्यवस्था कर नहीं पाया हूँ सोने का, एक दो दिन में वो भी हो जाएगा। आप लोग आ रहे हैं जैसे जुड़ रहे हैं तो फिर सोने की व्यवस्था हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ से उठा दिया जाएगा, बस स्टैंड चले जाएंगे, पुलिस की कोई परेशानी नहीं है, ना नारेबाजी है, ना झंडा बैनर है, आप किसी भी यूनियन पे हो फर्क नहीं पड़ता है, आपका मुद्दा पहुँच जाएगा। तो हम एक नई दिशा दिखाना चाहते हैं, लड़ाई का एक नया माध्यम दिखाना चाहते हैं और उसकी सार्थकता दिखाना चाहते हैं। ये लड़ाई मैंने शुरुआत की है लेकिन मेरी कोशिश है कि सारे लोग साथ में आएं और जब वो समझ जाएंगे कि मेरा उद्देश्य क्या है तो जरूर आएंगे। आपकी बातें सुन के लगा कि आपका जो मुद्दे आपने उठाए हैं बिल्कुल ठीक उठाए हैं, और मैं अपने सभी साथियों के साथ आपको इस चीज़ के लिए आपका आभारी हूँ कि आप इस तरीके की बातों को उठा रहे हैं और अपने ऊपर उस चीज़ को ले रहे हैं। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि हम भी इस तरीके से एक एक दिन के लिए सही अपने बैंक के बाहर बैठें, हम भी इसी तरीके का शांत रूप से बिना किसी झंडे बैनर के एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल करें, चाहे वो संडे को ही हो, जिससे ना कस्टमर को कोई नुकसान हो, ना क्या नाम है हमारे बैंक को कोई नुकसान हो, और वी बैंकर की इस मुहिम को और आगे बढ़ाएं। इसी के साथ धन्यवाद।